हैं चैनल। आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, बारिशें चल रही हैं, जिसमें सबको खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा चाहिए होता है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई यूनिक रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू। दो अदद हमने धो के रखे हैं, एक अदद हमने प्याज ली है, नमक, चाट मसाला, चिकन पाउडर हमने यहाँ लिया है, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर चाहिए होगा हमें, और आधी कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है आलूओं को क्रश कर देंगे। लीजिए, आलू जो है हमारे क्रश हो चुके हैं। हमने इन्हें कद्दूकस की मदद से जो है हमने इसे क्रश कर लिया है, और यहाँ आलू को प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट दिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी प्याज। प्याज के अंदर ही जो है हमें प्याज के अंदर हम शामिल कर देंगे, सॉरी मैं पहले जो है आपको बताना भूल गई थी, हमें बेसन चाहिए होगा 2 से 3 चम्मच के जितना। हम जो है ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 3 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। हमारे आलू 2 थे, हम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे। अब हम इसमें जो है मसाले ऐड कर देंगे, नमक हसबी ज़रूरत के जितना, चाट मसाला 1 चम्मच, चिकन पाउडर यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच, आधी कुटी लाल मिर्च जो है वो मैं ये वाली 1 चम्मच डाल दूँगी। आप चाहें तो साबित धनिया भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ सूखा धनिया थोड़ा सा आधी चम्मच जितना डालूँगी, और जो है गरम मसाला 1/4 गरम मसाला। इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर क्रश किए हुए मैं आलू शामिल कर दूँगी। हमने जो है थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इस मसाले को जो है आलूओं में शामिल कर देंगे, या आलू आप चाहें इसमें शामिल कर दें या मसाला इसमें शामिल कर दें, एक ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है देखें हमने तैयार कर लिया, आलूओं को हमने शामिल कर दिया है, तेल भी हमारे यहाँ तकरीबन गर्म हो चुका है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इस मसाले को 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम जो है इसे अभी फ्राई कर देंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जिस तरह से हमारा गर्म हो जाएगा, जैसे ही हम जो है अपना मसाला शामिल कर देंगे। फ़ौरन से ही हमें चमचा नहीं चलाना, हल्का सा कलर चेंज होने हो जाने के बाद जो है हम इसे तो चम्मच जो है घुमाएंगे। ये देखें जैसे ही इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, मैं इसे घुमा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ इसमें हरा मसाला कोई नहीं डाला, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। हम इसे स्लो हीट पर बनाएंगे ताकि हमारे जो आलू भी हैं वो अंदर से अच्छे से पक जाएं। लीजिए, गर्मा गर्म हमारे पकोड़े जो हैं आलू के तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ केचप और इमली की मीठी खट्टी चटनी के साथ पेश किए हैं। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी हैं, हमने इसमें सोडा वगैरह ऐड कुछ भी नहीं किया, बहुत ही मज़े के बने हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बनाना भी बहुत ही आसान है। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।